ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अरे एमसीक्यू जो भी करवाते जा रहे हैं इसको तुम लोग भूल मत जाना, ठीक है? ये तुम लोग को बहुत काम का एमसीक्यू करवा दे रहे हैं, क्योंकि तो साथ में क्या हो रहा है, तुम लोग का सीएमआर भी कंप्लीट होते हुए चल रहा है मतलब, और साथ में उसका एमसीक्यू, और बाकी पिछला जो भी एमसीक्यू अपलोड है रेगुलेशन बम से ही, जो हम करवाए हुए थे रेगुलेशन नंबर 92 से 152 तक का, वो जो भी अवेलेबल है वीडियो उसका डाला हुआ है वो देख लेना, क्योंकि आज ये कंप्लीट करवाने के बाद हम रूल्स है एक्ट जो रेस्क्यू वगैरह है उसका कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद से वापस रेगुलेशन में आएंगे। इस चीज को तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना। कुछ कुछ क्वेश्चन तो सभी लोग को पता होगा, बन जाना चाहिए। क्वेश्चन से स्टार्ट करते ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन है, इसलिए कुछ फेंसिंग का भी हम छोड़ते हैं, फेंसिंग तुम लोग का एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देंगे। बाकी सभी लोग अब इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे सभी लोग आ जाओ, कि जो प्रोटेक्टिव फुटवियर प्रोवाइड किया जाता है वर्कर लोगों को माइन मैनेजमेंट के द्वारा, वो कितने दिन में प्रोवाइड किया जाता है? 3 महीना में, 1 साल में, 2 साल में, या 6 मंथ में? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेफ्टी शू जो बोले एक तरीके से, या प्रोटेक्टिव फुटवियर, दोनों सेम है ठीक है, ये हर एक 6 मंथ में ठीक है, इसके लिए वर्कर लोग को कितना चार्ज देना पड़ेगा? ये जो 6 मंथ में प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा? 100 रुपया, या 200, या 300, या नन ऑफ दीज? इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है देने का। लेकिन अगर एक एग्जांपल दिए थे याद है तुम लोग को, कि एक वर्कर जो आया हुआ था बोला था, सर कुत्ता मेरा जूता लेके भाग गया है। अगर कुछ वैसा सिचुएशन होता है कि काम करते हुए ना फटे, कहीं उसका जूता मान लो उसके मिस्टेक के कारण कहीं भुला गया, मान लो कहीं गुम हो गया, कोई लेके भाग गया, चोरी हो गया, तो उस केस में उससे चार्ज लिया जाएगा, उसको फिर जूता प्रोवाइड किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ये कितने नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, ये जो सेफ्टी शू के बारे में ये रेगुलेशन नंबर कितने में दिया हुआ है? क्योंकि ये एनसीएल एसीसीएल के सिलेबस में भी है ना, प्रोटेक्टिव फुटवेयर के बारे में रेगुलेशन नंबर 240 में। और साथ में क्या क्या अरेंजमेंट करके रखना चाहिए ओनर एजेंट मैनेजर को वहां पे? टू 37, 38, 39 अभी हम छोड़ रहे हैं, यही 240 नंबर रेगुलेशन है ठीक है। यूज एंड सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टिव फुटवियर 240 नंबर रेगुलेशन में। और ये जो प्रूव होना चाहिए, किसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए, ये जो प्रोटेक्टिव फुटवियर होता है, ये ओनर के द्वारा, कंपनी का सीएमडी के द्वारा, या चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, या रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा, किसके द्वारा अप्रूव किया हुआ होना चाहिए जूता? सीआईएम के द्वारा ठीक है। दो क्वेश्चन हो गया तुम लोग का। सीआईएम हर एक 6 मंथ में सप्लाई करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है। ध्यान रखना है, क्योंकि अब ऐसा ही क्वेश्चन देने लगा है लड़का लोग, कंफ्यूजन में टिक कर देता है कि हाँ कुछ चार्ज देना पड़ जाएगा। फ्री ऑफ चार्ज देना पड़ेगा, इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। कौन देगा? देखो ओनर एजेंट और मैनेजर टर्म यूज किया हुआ है, ध्यान रखना। ओनर हम लोग जो चैप्टर 16 पढ़े थे, चैप्टर 16 में क्या था, कहीं पे भी था दिया हुआ ओनर एजेंट एंड मैनेजर। मिथेन का एक्सप्लोरेशन करें, या हम लोग मिथेन का एक्सट्रैक्शन करें, या पाइपलाइन बैठाएं, कुछ भी करें, वहां पे क्या था, ओनर एजेंट एंड मैनेजर टर्म यूज होता था, कि तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था।
यहाँ अगर ओनर एजेंट और मैनेजर टर्म यूज किया मतलब क्या, सारा दारोमदार मेनली मैनेजर पे आ गया, ठीक है। क्योंकि तो ओनर हेडक्वार्टर में बैठेगा, एजेंट प्रोजेक्ट लेवल का रहेगा, तो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है वो मैनेजर का यहाँ पे आ जाता है। लेकिन जहां पे ओनर एजेंट एंड मैनेजर टर्म यूज कर दिया तो वहां पे तीनों का उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर किसी को अभी जो बताएं कि एग्जाम्पल दिए हुए कि अगर किसी को जो फुटवेयर प्रोवाइड किया गया है अदरवाइज देन स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशन, इस रेगुलेशन के तहत जो है कि हर एक 6 मंथ में देना है, लेकिन अगर किसी को और किसी तहत उसको मान लो दिया जा रहा है तो उससे फुल कॉस्ट लिया जाएगा, लेकिन आज तक हम ऐसा देखे नहीं है। होता है मान लो जैसे वो जो एग्जाम्पल दिए थे उसका लेके भाग गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, दे दिए चलो रहता है एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। साथ में क्या अरेंजमेंट करके रखेगा ओनर एजेंट और मैनेजर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि ब्रश वगैरह का वहां पे रिवॉल्विंग ब्रश रहे कि वर्कर लोग माइंस में जाने से पहले क्या कर ले वो वहीं पे उसका जूता वगैरह अच्छे से साफ हो जाए। अगर वो रिवॉल्विंग या डबिंग ब्रश वगैरह नहीं है तो उस केस में सुटेबल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट प्रोवाइड करना है कि पर्सन उसका यूज कर पाए। हम बताएं तो ओनर एजेंट और मैनेजर, अभी जो यहाँ पे है ओनर एजेंट और मैनेजर, और एक में क्या देता है एंड मैनेजर देता है। जब एंड वाला टर्म यूज होता है ना तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे, तीनों का मतलब कोई भी चीज अगर मान लो जैसे एसएमपी हो गया वहां पे भी ओनर एजेंट मैनेजर है, एक्सप्लोरेशन वगैरह मिथेन हो गया वहां पे भी ओनर एजेंट मैनेजर है, अगर वहां पे कुछ भी कमी के कारण कुछ अगर एक्सीडेंट होता है ना तो तीनों को उतना ही दोषी पाया जाएगा, ओनर एजेंट मैनेजर को। किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जहां पे एंड टर्म आ गया है तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एसएमपी का माइंस का बन रहा है या नहीं बन रहा है वो ओनर भी जरूर एक बार बात करके देखेगा, जीएम एरिया जीएम से बात करेगा कि जीएम साहब देखिए एसएमपी वगैरह रिव्यू हो रहा है कि नहीं, लेकिन इस केस में जूता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये है कि प्रोजेक्ट लेवल का ये चीज है, यहाँ पर और टर्म यूज कर दिया है मतलब क्या, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ मैनेजर का है। इसका भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बोलेंगे तो ओनर एजेंट और मैनेजर किसी एक को दे सकता है, तो मेनली यहाँ पे मैनेजर का, ठीक है, यही है कुछ नहीं। और जो रिपेयर करवाना है अगर जूता फट जा रहा है मान लो, वैसे जूता कराता है कि 6 महीना तो जरूर चले, बहुत बार होता है कि एक बार हुआ था कि बहुत सारा जूता जो था ना क्वालिटी खराब दे दिया था, क्वालिटी खराब होने के कारण क्या था कि जूता 6 महीना के अंदर ही सभी वर्कर लोग का, एक का नहीं था मतलब शिफ्ट में 50 वर्कर है, 30 को बोला कि सर मेरा जूता फट गया, देखिए सब जूता उस केस में क्या था, कंपनी जिस कंपनी से परचेज किया गया था उस कंपनी को सारा जूता दे दिया गया है कि देखिए सारा जूता आपका फट गया है, फिर वो नया जूता उसके बदले दिया होता रिप्लेसमेंट में। तो ऐसा वाला कुछ केस ना हो, अगर कुछ रिपेयर वगैरह का जरूरत पड़ता है तो अब ये नहीं कि अब रिपेयर भी ओनर एजेंट करवा देगा, नहीं, रिपेयर करवाने की जिम्मेवारी जो पर्सन पहन रहा है उसका खुद का है। तो ये 240 नंबर रेगुलेशन था। 241 में क्या है, हेलमेट देने का बात होता है। ये ध्यान रखना सर्कुलर में जो दिया हुआ है ना, सर्कुलर में दिया हुआ है कि ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड का, ठीक है, सर्कुलर में ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड कितना दिया हुआ है, अंडरग्राउंड में कितने साल में हेलमेट देना चाहिए और ओपन कास्ट में कितने साल में हेलमेट देना चाहिए, जल्दी से बताओ, सभी लोग को पता होना चाहिए तुम लोग को। एज पर सर्कुलर पूछ रहे हैं, अंडरग्राउंड में क्या दिया हुआ है, अंडरग्राउंड में 3 साल में दिया हुआ है, सर्कुलर पुराना है, और ओपन कास्ट में 5 ईयर में दिया हुआ है, ठीक है, कि इतना अंतराल पे जूता मतलब सेफ्टी हेलमेट बोलो वो प्रोवाइड करना चाहिए। 3 एंड 5 बोल रहे हो, चलो मतलब अंडरग्राउंड का 3 और ओपन कास्ट का 5, क्योंकि अंडरग्राउंड में 3 क्यों है, क्योंकि अंडरग्राउंड में होता है कि वैसा कंडीशन रहता है कि कहीं रूफ में टच हो जा रहा है, कहीं रूफ हाइट कहीं कम है तो रूफ में टच हो जा रहा है, तो इसके कारण अंडरग्राउंड में थोड़ा हेलमेट का डैमेज होने का चांस ज्यादा रहता है, इसलिए कम इंटरवल रखा गया है। लेकिन ओपन कास्ट में क्या है,
कुछ वैसा तो है सिचुएशन नहीं कहीं पे कि हेलमेट कहीं रूफ में सट जा रहा है, अंडरग्राउंड गैलरी में चलना पड़ा, वैसा तो कोई सिचुएशन है नहीं। इसलिए ओपन कास्ट में जो है 5 साल का प्रावधान, ये सर्कुलर। लेकिन अभी जो नया लिखा हुआ है इसमें कुछ वैसा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। इसमें बोल दिया है कि अप्रूव्ड होना चाहिए यहाँ पे भी चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। यहाँ पे 5 साल वाला कंडीशन नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना ये सर्कुलर वाला चीज है, 3 साल और 5 साल। अब है कि हेलमेट क्या पहन के आदमी माइंस जाना तो सही बात है, और कहाँ नहीं जा सकता कि बिना हेलमेट भी वहां पे जाया जा सकता है, ये क्वेश्चन अभी टेस्ट में तुम लोग, टेस्ट में क्या आई है, एमसीक्यू में मिलेगा। तो यहाँ क्या है कि नो पर्सन शेल गो इन टू द वर्क और बी अलाउड टू गो इन टू वर्क और वर्क इन ए माइंड, ठीक है, अदर देन कुछ चीज को छोड़ के। कहाँ कहाँ छोड़ के, जो ऑफिस हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गया, कैंटीन हो गया, क्रेच हो गया, रेस्ट शेल्टर हो गया, फर्स्ट एड रूम हो गया, और कोई सिमिलर टाइप का कोई बिल्डिंग हो गया, तो वहां पे छोड़ के, उस जगह को छोड़कर बाकी सभी जगह में अगर कहीं जाना है वर्कर लोगों को कहीं काम करने के लिए, तो अपना सेफ्टी हेलमेट लेकर जाएगा। और सेफ्टी हेलमेट भी जो अप्रूव्ड रहेगा वो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा ही रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल की सेफ्टी हेलमेट मतलब 3-3 साल के अंतराल पे प्रोवाइड करना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है मेंशन कि ओपन कास्ट का या अंडरग्राउंड का, जनरल क्या है कि 3 साल में, लेकिन अगर पुराना सर्कुलर देखेंगे तो वहां पे 3 साल और 5 साल दिया हुआ ठीक है। तो 241 नंबर में तुम लोग इतना ही ध्यान रखना है रेगुलेशन नंबर और हेलमेट के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आएगा एसएससीएल सीसीएल वगैरह में, तो ऐसा ही क्वेश्चन कुछ दे देगा उठा के, क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग से, ठीक है। यूज ऑफ सप्लाई ऑफ अदर पीपी 242 नंबर रेगुलेशन, इसमें क्या है कि जहां पे भी लगेगा रीजनल इंस्पेक्टर को या चीफ इंस्पेक्टर को कि जो भी पर्सन कहीं पे काम कर रहा है, या कोई क्लास ऑफ पर्सन या मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन बोल दो, ठीक है, देखो ओपन कास्ट में पूछेगा तो 5 साल, अंडरग्राउंड में पूछेगा 3 साल, यही लेना है, ठीक है, 3 साल और 5 साल वाला ही लेना है। अगर चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर को कहीं लगता है कि कोई पर्सन या कोई क्लास ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है किसी जगह पे काम कर रहा है, और वहां पे क्या हो सकता है कि उसकी इम्प्लॉयमेंट के दौरान वहां पे वो एक्सपोज हो सकता है अनड्यू हजार्ड, मतलब जो हजार्ड वगैरह प्रेजेंट है, तो उस केस में वो जनरल और स्पेशल ऑर्डर निकाल सकता है कि ओनर एजेंट और मैनेजर को बोल सकता है कि आप वहां पे फ्री ऑफ चार्ज, जैसे ग्लव्स हो गया, जैसे मान लो जो, हाँ अगर कुछ मेंशन ना करे तो 3 साल, अगर कुछ मेंशन कर दे तो 3 साल और 5 साल, ठीक है। जैसे मान लो केबल मैन होता है जो एचईएमएम का इलेक्ट्रिकल रॉप सॉवेल होता है, उसका ट्रेलिंग केबल का लेंथ कितना होता है, एचईएमएम में जो इलेक्ट्रिकल रॉप सॉवेल है उसका ट्रेलिंग केबल का लेंथ कितना होता है, सभी लोग बताओ। तीन सौ मीटर ठीक है, 300 मीटर सही बोल रहे हो। बकेट व्हील एक्सकेवेटर का कितना होता है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर का कितना होता है, वन थाउजेंड मीटर या 1 किलोमीटर, ठीक है चलो 1 किलोमीटर भी लड़का लोग सोच रहा है तो सही सोच रहा है। ड्रैग लाइन का कितना था, ट्रेलिंग केबल का लेंथ ड्रैग लाइन का, दो सौ 300 400 500 600 क्या था ड्रैग लाइन का, 600 मीटर। एलएचडी का कितना है, ए 0.6 मीटर, कौन बोल रहा है जी, करेक्शन कर लेना। एलएचडी का कितना है,
एलएचडी का, एलएचडी का 250 मीटर, और एचडीएल का कितना है? एचडीएल का कितना है? एचडीएल का 100 मीटर, चलो, क्योंकि बहुत लड़के लोग को एचडीएल एलएचडी में कंफ्यूजन हो जाता है। एचडीएल का 100 मीटर इसलिए है क्योंकि वो क्रॉलर माउंटेड मशीन है, और एलएचडी क्या है? वो टायर माउंटेड मशीन है, इसलिए एलएचडी का थोड़ा केबल लेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो ट्रेलिंग केबल लेंथ का भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि देखो, तुम लोग देखे ही होगे जहां पे भी अंडरग्राउंड माइंस में ट्रेनिंग किए होगे, अगर एचडीएल वगैरह होगा तो वहां ट्रेलिंग केबल होता है। तो ट्रेलिंग केबल को क्या करना पड़ता है? हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, ट्रेलिंग केबल को हैंडल करना पड़ता है। तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार धोरी खास में एक फेटल एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद से हम लोग वर्कर लोग को एक हुक दे दिए, जे टाइप से एक हुक बनाकर दे दिया गया कि आपको केबल को हाथ से नहीं छूना है, हाथ से केबल को नहीं छूना है, केबल को इस हुक के सहारे आपको केबल को हैंडल करना है। ग्लव्स दे दिया गया कि नंगे हाथ आपको छूना ही नहीं है, हमेशा जब भी केबल छूना है, क्योंकि केबल कभी पानी में भींगा हुआ है, पूरा डस्ट वगैरह लगा हुआ है, तो कहीं भी हो सकता है लीकेज हो जाए, लीकेज हो सकता है तो हो सकता है उसको झटका लग जाए, करंट लग जाए, डेथ भी हो सकता है, क्योंकि हो गया था ऐसा, एक्चुअल में फैटल एक्सीडेंट हो गया था। तो वही है कि वर्कर लोग क्या देना चाहिए, ग्लव्स दे दिया उस केस में, तो ये हुक पीपीई के अंदर नहीं आया। हुक क्या, एक तरीके से कि चलो हम लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके हाथ से आपको हैंडल करना ही नहीं है। वैसे जब भी केबल को हैंडल करना है, या मान लो स्विच हो गया, गेट इन बॉक्स वगैरह हो गया, उसको ऑन ऑफ कुछ भी करना है, तो आपको ग्लव्स यूज करना है। गॉगल्स हो गया, ये कहीं डस्ट वगैरह कुछ वैसा उड़ रहा है, डस्टी एटमोसफेयर है, तो उस केस में क्या है, गॉगल्स वगैरह दे दिया गया। सिन गार्ड, सिन गार्ड क्या हो गया कि जब ड्रेसर लोग क्या करता है, रूफ का ड्रेसिंग करता है, तो हो सकता है कि बोल्ड मतलब जो कोयला ड्रेसिंग कर रहा है गिरे और छिटक के उसके पैर वगैरह पे पड़ जाए, इसलिए कि पैर के सामने वाले पोर्शन को बचाने के लिए सीन गार्ड दे दिया गया। ठीक है, या कहीं रेंग के जाने वाला जगह है जहां पे कि खड़ा होके नहीं जाया जा सकता है, तो उस केस में रेंगने वाली जगह पे भी सीन गार्ड मिल जाएगा। जैसे क्रिकेटर लोग जब डाइव मारता है, जो बैट्समैन रहता है, वही गार्ड बोलो, फील्डर लोग के पास तो सिन गार्ड नहीं रहता है, क्योंकि फील्डर लोग क्या रहता है, वो दौड़ता कहाँ पे है, घास में दौड़ता है, ठीक है ना, ग्रास रहता है चारों ओर, लेकिन जहाँ पे पिच रहता है, जहाँ पे ये डाइव मारता है, वहां पे क्या होता है, विदाउट एनी ग्रास, जिसके कारण से छिलने वगैरह का चांस ज्यादा रहता है, तो वहां पे उन लोग को सिन गार्ड दे दिया जाता है। रिस्पायरेटर क्या हो गया कि कहीं श्वास वगैरह लेने में तकलीफ हो रहा है, कुछ वैसा दिक्कत आ गया, तो रिस्पायरेटर दे दिया गया। तो ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सप्लाई ऑफ अदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किस नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, ये रेगुलेशन नंबर 242 में दिया हुआ है, ग्लव्स, गॉगल्स, सिन गार्ड, रिस्पायरेटर के बारे में कहाँ दिया हुआ है, 242 के में रेगुलेशन नंबर में दिया हुआ है। अगर कहीं भी डिस्प्यूट अराइज होता है कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लाइफ को लेके कितना साल का रहने वाला है, तो उस केस में सीधा चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा। कीपर के पास इसलिए रहता है ना, वो कीपर हो गया, बैट्समैन हो गया, बैट्समैन के पास भी और भी रीजन है कि मान लो सीधा ड्यूज बॉल से खेलता है, सीधा लगेगा पैर में, हड्डी टूट जाएगा। ठीक है, कीपर भी मान लो बहुत बार है कि पैर से हो सकता है लग जाए उसके भी पैर में कभी, या दोनों पैर से कभी रोक लेता है, इसलिए सिन गार्ड देना जरूरी है उन लोग को। लेकिन फील्डर लोग क्या है, लोग डाइव मारता है, तो कोई दिक्कत नहीं उन लोग के लिए। अब रेगुलेशन नंबर 243 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन नंबर 243 सेल्फ रेस्क्यूअर के बारे में, इसके बारे में गजेट में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में वो चीज गजेट में भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है सेल्फ रेस्क्यूअर के बारे में, तो गजेट में देख लो, वही वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे गजेट में क्या है, कितना लेक्चर होना चाहिए, ध्यान रखना, 243 सब रेगुलेशन 3 का जो क्लाउज सी है वहां पे दिया हुआ है
कि कोर्स ऑफ जो ट्रेनिंग दिया जाएगा जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉट लेस देन 1 आवर, 2 लेक्चर रहेगा जिसमें साथ में कम से कम 1 घंटा का डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा ईच इन एवरी 6 मंथ, मतलब प्रत्येक 6 महीना में ऐसा ट्रेनिंग देना है, और उसको ऑन करके, मशीन को ऑन करके 30 मिनट तक का कम से कम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाना है। ये 2 डाटा तुम लोग को जरूर ध्यान रखना है। प्रैक्टिस विथ डोनिंग यूनिट, डोनिंग मतलब क्या, उसको ऑन वगैरह करके पूरा पहन के अच्छे से, कि एक्चुअल में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया है वहां पे पहनना है, तो डोनिंग यूनिट के साथ नॉट लेस देन 30 मिनट। ये 2 डाटा है, तुम लोग ध्यान रखो। अब कुछ क्वेश्चन कर लो, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो कि पर्संस आर एग्जेम्प्टेड टू वियर हेलमेट इन द, कि कहाँ पे पर्संस को एग्जेम्पशन दिया गया है कि वहां पे हेलमेट पहनने कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस बिल्डिंग में, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग में जरूरत नहीं है, कैंटीन में जरूरत नहीं है, क्रेच या रेस शेल्टर में जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन में आएगा आर्यन तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एड रूम में जरूरत नहीं है, ऑल ऑफ द अबव तो सही है। ये सभी जगह में क्या है कि हेलमेट पहन के जाना अनिवार्य नहीं है। जो हेलमेट रहना चाहिए सेल बी सप्लाइड फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या है कि ओपन कास्ट अंडरग्राउंड कुछ मेंशन नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सीएमआर के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हेलमेट सेल बी सप्लाइड फ्री ऑफ चार्ज एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स इन राइटिंग बाय द ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन, मतलब ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केच पर सीएमआर 2017 ओनर एजेंट और मैनेजर सेल रिप्लेस सेफ्टी हेलमेट एटलीस्ट वंस इन एवरी डे सीयर। केच पर सीएमआर 2017 की ओनर एजेंट और मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कितने साल में हेलमेट को रिप्लेस कर दे, तो क्या इसका भी आंसर हो जाएगा, सभी लोग बताओ। तुम लोग सब लोग कमेंट धीरे धीरे करते हो ना। 3 ईयर इसका भी हो गया। जो लाइफ ऑफ हेलमेट फॉर वर्कर्स इंप्लॉयड इन ओपन कास्ट वर्किंग, आप देखो यहाँ पे ओपन कास्ट वर्किंग की बात आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओपन कास्ट 5 ईयर बताए हैं, तो ये 5 ईयर्स हो गया। जो हेलमेट होना चाहिए वो परमानेंटली मार्क्ड विथ क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स नेम मॉडल ईयर एंड मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर BIS लाइसेंस विथ रिलेवेंट IS नंबर ऑल ऑफ द अबव क्या होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना। 13 नंबर क्वेश्चन में ये सारा चीज रहना चाहिए, हेलमेट पे मार्क रहना चाहिए कि कौन मैन्युफैक्चरर बनाया है, मॉडल क्या है, किस ईयर में बनाया गया है, किस मंथ में है, सारा डेट वगैरह रहेगा, जो लाइसेंस नंबर वगैरह रहता है ना, और IS स्पेसिफिकेशन नंबर, वो सारा चीज उसमें दिया हुआ रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। फुल फॉर्म ऑफ PPE, PPE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हाँ, पार्ट्स पर इक्विपमेंट नहीं, पीरियोडिक पर्सनल इक्विपमेंट नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विच ऑफ द, देखो तुम लोग क्वेश्चन का लेवल एकदम ऐसा ही रहेगा, अगर ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है तो क्वेश्चन का लेवल देखो एकदम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्या हो जाएगा, सेफ्टी गॉगल्स ये PPE है, ग्लव्स PPE है, रिस्पायरेटर्स भी PPE है, ये जो मोबाइल फोन हो गया ये क्या है, दुर्घटना का कारण बन सकता है, ये PPE नहीं हो सकता है। द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये कौन सा आइटम इसमें है जो PPE का पार्ट नहीं है, सेफ्टी गॉगल्स पार्ट है PPE का, रीयूजेबल ईयर प्लग्स, जो ईयर प्लग है कान में ज्यादा आवाज वगैरह ना जाए है ना, तो उसके लिए ईयर प्लग यूज करना है। विजिबल हार्नेस, हार्नेस क्या होता है, ये जो हेलमेट में लगा हुआ रहता है अंदर, वो हार्नेस हो गया। डस्ट रिस्पायरेटर, ये भी PPE है,
हार्नेस भी क्या एक तरीके से हेलमेट के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब आंसर सुटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मान सकते हैं कि चलो उसके अंदर का पार्ट है, पीपीई का पार्ट ही तो है ना, मान सकते हैं। ये जो मोबाइल फोन हो जाएगा ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, यही हो जाएगा कि पीपीई नहीं है।